हेलो गेमर्स, कैसे हो तुम सभी? बढ़िया होगे। तो गाइज यार, आज हम लोग बात करने वाले हैं लो इन डिवाइस वालों के प्रॉब्लम्स के बारे में। मतलब जो बंदे लो इन लैपटॉप में, लो इन पीसी में गेम खेलते हैं, जिसमें यार रैम कम होता है, मतलब 4GB होता है, 2GB होता है, 8GB होता है, ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, उनको यार क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना चाहिए, कौन सा इमुलेटर यूज़ करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहते हो तो कैसे गेम प्ले रिकॉर्ड कर सकते हो, ये सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो गाइज, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि गाइज मैं भी एक लो इन गेमर हूँ और मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे फेस किया है, कैसे हैंडल किया है, वो सब आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो गाइज यार, मेरा नाम है गणेश और आप सभी को हमारे गेमिंग चैनल यू फन गेमिंग के एक फ्रेश वीडियो पे स्वागत है। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ मेरे पीसी के स्पेक्स के बारे में, मतलब मेरे पीसी में कितना रैम है और क्या क्या है वो सब आपको बता देता हूँ। मेरे पास यार अभी लैपटॉप में 8GB रैम है। जब मैंने ये लैपटॉप खरीदा था तब मेरे पास ओनली 4GB रैम था और यार अभी लैपटॉप में मैंने एक SSD भी लगा लिया है। जब मैं गेमिंग करता था पहले, कुछ महीने पहले, मेरे पास SSD भी नहीं था, SSD से काम चला लेता था। ओके, सो गाइज इसलिए मेरे को पता है कि यार लो इन गेमर्स को क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि गाइज मैं भी उनमें से एक हूँ और अभी भी मैं यार ये प्रॉब्लम फेस करता हूँ, पूरा कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है। मेरे साथ भी अभी यार कई सारे प्रॉब्लम होते हैं, उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं वो आपको मैं बता सकता हूँ, क्योंकि गाइज मैं फ्री फायर यार 3 साल से भी ज़्यादा टाइम से खेल रहा हूँ लैपटॉप में। सो गाइज अभी यार हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट टॉपिक्स के बारे में, आपको यार कौन सा इमुलेटर यूज़ करना चाहिए, मतलब आपके रैम के हिसाब से कौन सा इमुलेटर यूज़ करना चाहिए। मैंने यार ऑलरेडी इस टॉपिक से डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, वो भी जाके देख सकते हो, लेकिन यार अभी भी मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में आपको कौन सा इमुलेटर यूज़ करना चाहिए। इफ आपके पास यार 2GB रैम है तो यार 2GB में ऑब्वियसली लैग होगा, क्योंकि गाइस अभी यार 2GB वाले मोबाइल में भी यार अच्छे से फ्री फायर नहीं चलते हैं। इसलिए गाइस 2GB लैपटॉप और PC है तो आपको यार एक ही ऑप्शन में दे सकता हूँ, इधर आप यार फिनिक्स OS यूज़ कीजिए, जो कि यार आपको अलग सा ऑपरेटिंग सिस्टम में गेम प्ले करा सकता है। इसलिए यार उधर रैम भी यूजेज ज़्यादा नहीं होगा और आपका पूरा सिस्टम का जो रिसोर्सेस होगा पूरा गेम पे यूज होगा। इफ़ आप लोग यार इमुलेटर लगाओगे तो यार आपका जो रिसोर्स होता है ना लैपटॉप का, वो यार पूरा इमुलेटर खा जाएगा, तो यार गेम ऑब्वियसली लैग होगा और अच्छे से भी नहीं चलेगा। ओके, तो गाइस 2GB रैम के लिए तो मैंने बता दिया, अभी हम लोग बात करते हैं 4GB रैम वालों के लिए कौन सा इमुलेटर यूज़ करना चाहिए। इफ़ आपके पास 4GB रैम है तो यार आपके पास भी 2-3 ऑप्शन है। ओके, सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन है तो स्मार्ट गागा, जो यार मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, हाईली रिकमेंडेड भी करता हूँ, क्योंकि स्मार्ट गागा ऐसा इमुलेटर जो कि यार मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया था। अभी तो मैं यूज नहीं करता हूं, जब मेरे पास 4GB रैम था तो यार मैंने वो भी ट्राई किया था, उसमें भी यार मैंने 2-3 वीडियो बना रखा है, जाके भी देख सकते हो। स्मार्ट गागा यार आपको मतलब इजी गेम प्ले करा देता है, उतना ज्यादा रिसोर्स भी नहीं लेता है और फ्री फायर यार आप लोग एटलीस्ट 4GB रैम में अच्छे से खेल सकते हो स्मार्ट गागा में। और आपके पास 4GB रैम ही है तो यार आप लोग यार जो है ना मेमो भी ट्राई कर सकते हो, और यार LDPS भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। जब मैं पहले गेमिंग करता था तब यार LDPS में गेम खेलता था जब मेरे पास 4GB रैम थे, और यार LDPS में भी अच्छा लगता था। मैंने अराउंड 1 साल तक LDPS में गेमिंग किया हुआ है तो यार मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है LDPS में खेलने का। तो गाइस यार आपके पास ओनली 4GB है तो यार LDPS भी ट्राई कर सकते हो, LDPS और स्मार्ट गागा, और यार ट्राई करना चाहते हो तो ब्लू स्टेक भी है और मेमो भी है। ओके, सो गाइस 4GB के लिए बता दिया है, अभी हम लोग बात करते हैं 8GB रैम वालों के लिए जिसके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है लेकिन लैपटॉप और PC में 8GB रैम है, उनको कौन सा इमुलेटर यूज़ करना चाहिए। इफ़ आपके पास 8GB रैम है तो यार आप लोग ऑब्वियसली मेमो यूज़ कर सकते हो, मेमो वन ऑफ द बेस्ट इमुलेटर मेरे को लगता है, मैं यार पर्सनली मेमो रिकमेंडेड करता हूँ इफ़ आप लोग 8GB रैम के लिए बेस्ट इमुलेटर ढूंढ रहे हो तो। ओके, सेटिंग्स कैसे करना है इमुलेटर्स का यार वो मैंने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो डाल रखा है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो, नहीं तो यार नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी ये सब जो है ना मैं इस वीडियो में जो जो बात करूँगा वो सब उधर रख दूंगा, तो यार उधर से भी जाके आप लोग वीडियो देख सकते हो। तो गाइस 8GB के रैम के लिए अभी मैं बता देता हूँ कौन कौन सा इमुलेटर यूज कर सकते हो, 1 मेमो और दूसरा है LDPS, तीसरा ब्लू स्टेक। ओके, सो गाइस ये 3 ही यूज कर सकते हो, और उधर्स भी है जो कि यार एक गेम लूप भी है, जो यार 4GB रैम वालों जो ये वीडियो देख रहे हो वो भी यूज कर सकते हो। यार ये थोड़ा सा छूट गया था,
मतलब गेम लूप के बारे में भी मैंने यार आप लोगों को बताया है वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में। और गेम लूप भी आप लोग यूज़ कर सकते हो इफ आपके पास 4GB रैम है, 8GB रैम है, तो वो भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है 4GB और 8GB रैम वालों के लिए। तो गाइस इमुलेटर्स की बात तो हो गई, अभी हम लोग बात करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार लैग प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके तो गाइस यार इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके टॉपिक्स में भी यार मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियो बना रखा है, इसलिए यार सब वीडियो डिस्क्रिप्शन पर रखना इम्पॉसिबल है। तो यार आप लोग एक बार चैनल विजिट कर लेना इफ आपका लैग हो रहा है तो। मतलब लैग बेसिकली यार एक इमुलेटर्स लैग होता है, इमुलेटर्स के वजह से। इमुलेटर्स में सेटिंग्स करना पड़ता है, वो कैसे करना है वो भी मैंने बता रखा है। और दूसरा है गाइस आपको यार कुछ इमुलेटर्स और कंप्यूटर में सेटिंग्स करना है, जिसके वजह से यार आपका 100% लैग तो सॉल्व नहीं होगा यार, मैं नहीं बोल सकता हूँ। इसके लिए यार आपको एडिशनल हार्डवेयर वगैरह ये सब ग्राफिक्स कार्ड वगैरह चाहिए, लेकिन यार कम हो सकता है ये आपको यार मैं पूरा गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो गाइस लैग प्रॉब्लम्स के बारे में तो हो गए, अभी हम लोग बात करते हैं इन गेम्स प्रॉब्लम्स के बारे में। मतलब जब गेम खेलोगे, जब ये गेम खेलना स्टार्ट करोगे तब क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं लो इन डिवाइस में, मतलब स्पेशली लो इन डिवाइस में। ऐसा ना है कि हाई इन डिवाइस में प्रॉब्लम नहीं आते हैं, लेकिन यार लो इन डिवाइस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी यार हम लोग गेम्स के प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं, इन गेम्स में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। सो गाइस इन गेम्स में आपको जॉयस्टिक का प्रॉब्लम भी आ सकता है, एम स्टिक का प्रॉब्लम भी आ सकता है, और सेंसिटिविटी मूवमेंट्स का भी प्रॉब्लम आ सकता है। सो गाइस इन ऑल टॉपिक्स में तो मैंने वीडियो नहीं बना रखा है, लेकिन यार एक दो प्रॉब्लम्स है जैसे जॉयस्टिक के, सेंसिटिविटी के, उसके यार मेरे चैनल में आपको वीडियो मिल जाएंगे। सो गाइस उधर जाके वो ट्राई कर सकते हो, वो सॉल्यूशन ट्राई कर सकते हो, हो सकता है आपके डिवाइस में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो वो सॉल्व हो जाए। सो गाइस अभी हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशंस के बारे में। इफ आप लोग गेम रिकॉर्ड करना चाहते हो तो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो लो इन डिवाइस में। ओके इसके भी तीन तरीके है गाइस, आपको मैं बताऊंगा। इफ आपके पास 2GB रैम है और रिकॉर्ड करना चाहते हो, 2GB और 4GB के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इफ आपके पास 2 और 4GB रैम है तो मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि आप यार इन गेम रिकॉर्डर यूज़ करो। मतलब गेम के अंदर जो होता है ना रिप्ले सिस्टम, उसको यूज़ कर सकते हो। उसमें यार थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करके, क्रोप वगैरह करके आप लोग यार अच्छा सा वीडियो उधर से भी बना सकते हो इफ आपके पास उधर से ऑप्शन नहीं है, उधर से ऑप्शन से लैग होता है तो। ओके इस पर लिए 2GB रैम के लिए आप लोग कर सकते हो। दूसरा है 4GB रैम के लिए क्या कर सकते हो, 4GB रैम है तुम्हारे लैपटॉप में कंप्यूटर में तो यार तुम लोग जो होता है ना इमुलेटर्स का इंटरनल रिकॉर्डर वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन यार ये ऑल इमुलेटर्स में ये फीचर्स नहीं होता है, जैसे LDBS में है, मेमू में है, ब्लूस्टेक में भी है। ओके ब्लूस्टेक 4 में भी मैंने एक बार ये फीचर्स यूज़ किया था, और MSI में भी है। ओके सो गाइस आप लोग इंटरनल इमुलेटर यूज़ कर सकते हो इफ़ आपके पास लो डिवाइस है तो। यार मैं यार हाईली रिकमेंड करता हूँ। और तीसरा ऑप्शन है गाइस मतलब एक्सटर्नल रिकॉर्डर, जो कि यार आप लोग OBS वगैरह भी यूज कर सकते हो, लेकिन यार जिसके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, जिसके पास 8GB रैम है, 4GB रैम है, यार ग्राफिक्स कार्ड के बगैर यार OBS में रिकॉर्ड करना इम्पॉसिबल जैसा है, आप लोग यूज़ कर सकते हो। लेकिन गेम खेलते वक्त आप लोग यार OBS में रिकॉर्ड करके खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यार, मैंने कई बार ट्राई किया है लेकिन यार गेम स्टक हो जाता है, गेम क्रैश हो जाता है, पूरा डिवाइस भी क्रैश होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो गाइस यही ऑप्शन है, आपको मैंने बता दिया है रिकॉर्ड कैसे करना है। आप लोग यार गेम्स के जो रिप्ले सिस्टम होता है वो यूज़ कर सकते हो एक, और इमुलेटर्स का जो इंटरनल रिकॉर्डर होता है वो यूज़ कर सकते हो, और एक्सटर्नल रिकॉर्डर में और भी आते हैं जैसे गाइस अभी मैं फ्री कैम वगैरह भी यूज़ करता हूँ, वो भी यूज़ कर सकते हो आपने डिवाइस के परफॉर्मेंस के हिसाब से। गाइस यार मैंने इधर ट्राई किया है कि ऑल प्रॉब्लम्स आए इधर, लेकिन यार कुछ प्रॉब्लम छूट गए हैं तो यार आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि यार उसका भी कुछ सोल्यूशन आप लोगों को दे। सो गाइज होप वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर।